हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग लेके। और दोस्तों, इसी के साथ देखिए, अभी बज रहे हैं 5:19, सुबह की 5 बज रही है दोस्तों, और आज है 25 दिसंबर। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी क्रिसमस की बहुत बधाइयां। तो इसी के साथ आज मैं और मेरे पापा जा रहे हैं सवाई माधोपुर, कोटा टू सवाई माधोपुर की ट्रेन जर्नी है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको पूरा व्लॉग बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, बहुत एंजॉय करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम जा रहे हैं जन शताब्दी एक्सप्रेस से, जो सुबह चलती है यहाँ से 6:15 बजे और 7-7:30 बजे लगभग सवाई माधोपुर उतार देती है। ज्यादा ज्यादा 100 किलोमीटर भी नहीं है दोस्तों, तो थोड़ी छोटी जर्नी होगी, लेकिन इंजॉयमेंट खूब करेंगे। तो फटाफट बस हम निकल रहे हैं। पापा अपनी चाय कंप्लीट कर रहे हैं। टाइम देखिए, 5:25 हो चुके हैं, निकलेंगे कुछ ही देर में। इतना अंधेरा हो रहा है दोस्तों, इसी के साथ अब मैं ताला खोलने जा रहा हूँ। उसी के साथ बस हम निकलने ही वाले हैं कुछ ही देर में। पापा नहा रहे हैं और अंधेरा इतना हो रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा। और दोस्तों, इसी के साथ ये भूत है जो सुबह उठ चुका है, ये देखिए। तो इसको हम दीदी के भरोसे छोड़ के जाएंगे। सर, गट्टूडी का जो वीडियो है वो आने वाला है, भैया उसको वहां से अपलोड करेंगे तो वो आ जाएगा, तो देखना जरूर दोस्तों। बहुत प्यारा वीडियो है और ये वीडियो थोड़ी उससे भी लेट आएगी, तो इसको भी जरूर देखना। दोस्तों, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो मेरी ट्रेन है आज, वो है कोटा जन शताब्दी और ये डेली रन होती है। ये वीडियो कोटा से देख रहे हैं तो दोस्तों, वो 6:15 पे चलती है और 7:18 पे सवाई माधोपुर उतारती है। ये जाती है हजरत निजामुद्दीन तक, लेकिन हमें जाना है सवाई माधोपुर। तो दोस्तों, निकलते हैं फटाफट यहाँ से, स्टार्ट करते हैं जर्नी। इसी के साथ हम आ गए हैं स्टेशन। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आ गए हैं और हमारी गाड़ी वो देखिए सामने खड़ी है। तो फटाफट, मेरे पास व्लॉगिंग करने का टाइम नहीं, फटाफट चलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ D2 में आने में हमें बहुत टाइम लगा। ये बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम थी दोस्तों, 2 मिनट का अंतर था। और हम, मेरे पापा और मैं, D17 से D2 में सिर्फ 2 मिनट में हालत ख़राब हो गई दोस्तों, तो आप कभी ऐसा ना करें। बाकी ठीक है, पकड़ ली हमने सीट। देखिए, ट्रेन चल चुकी है, ट्रेन खुल भी चुकी है और बस अब चलते हैं फटाफट। और ट्रेन बहुत अच्छी है, मैं आज पहली बार बैठा हूँ इस ट्रेन में। इस पर गट्टू भी बैठा हुआ था और मम्मी भी बैठ के आती थी बहुत बार। आप मेरे पास ट्रेन का नज़ारा दिखा रहा, टाइम ये एक हो जाती है।
जब दिल्ली दिल्ली से हम हरिद्वार भी चलते बहुत है फाइनली दोस्तों हम उतर चुके हैं और वो हमारी ट्रेन जा चुकी है। सवाई माधेपुर स्टेशन आ चुका हूँ मैं और ये फिक्स 7:20 पे इसने यहाँ उतार दिया है। देखिए कितनी जल्दी उतारा है और इसी के साथ देखिए वो ट्रेन अभी भी जा रही है हमारी और हम उतर चुके हैं। अब जहाँ हमें यहाँ से जाना है दोस्तों दर्शन करने, तो वहाँ हम चलेंगे तो वो भी मैं आपको शूट दिखाऊंगा जरूर। और अभी तो मुझे कुछ साधन नहीं दिख रहा गर्म गर्म पकौड़ी का, नहीं तो यहाँ की पकौड़ी बहुत फेमस है आप जैसे जानते ही होंगे। तो देखते हैं अगर कुछ मिला तो जरूर खाएंगे। राइट टाइम दोस्तों, ये गाड़ी राइट टाइम है, इसमें वहाँ से भी राइट टाइम, यहाँ से भी राइट टाइम और ये देखिए खाली भी हो गई, निकल गई वो ट्रेन। तो दोस्तों इसी के साथ आगे देखते हैं क्या होता है और कंटिन्यू करते हैं जर्नी। और दोस्तों कड़ाके की भी ठंड पड़ रही है, तो चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ से अब हमारा जो है मेन टूर गणेश जी टेम्पल, तो हम यहाँ से जी वीब लेंगे और रणथंबर जो गणेश जी का मेन टेम्पल है वहाँ पर जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों पीछे जो शॉप दिख रही है उन्होंने बता दिया है कि इस जीप से ही जाना पड़ेगा जो अभी आपको दिखाई थी मैंने। तो देखते हैं इनसे प्राइस वाइज पूछते हैं कितना लेते हैं, कितना नहीं रणथंबर के लिए। सवारी में जाओगे तो 40 रुपये सवारी है, 10 सवारी लेके चलती हूँ और ऐसे करके ले जाओगे तो 10 सवारी का पैसा आओ। दोस्तों इसी के साथ वो जब वो जीप में जो मांग रहे थे हमसे, लेकिन उसके बाद मैं बताऊँ आपको क्या हुआ। उसके बाद हमारे दो पैसेंजर मिले सेम टू सेम कि 400 रुपये में आप ले लो, 200 रुपये हमारे, 200 रुपये उनके, तो वो डायरेक्ट ले गए थे हमें। वो वीडियो जो आएगी वो नेक्स्ट वीडियो है इसके बाद। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ऑल टाइम जर्नीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।